Hello everyone, welcome to Study Khazana. This is Monica Khurana and we are going to start a new poem today, that is The Roadside Stand. Guys, this is the most famous poem of Robert Frost. And I'm sorry I said The Roadside Stand, it is A Roadside Stand, right? Robert Frost बहुत ही हाईली एक्लेम्ड पोएट रहे हैं और इनका जो मेजर रीज़न रहा है या मेजर थीम रही है इनकी मोस्ट ऑफ द केसेस में दैट इज़ नेचर एंड पुअर पीपल. ही हैज़ ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इनइक्वालिटीज, इनजस्टिस एंड एवरीथिंग. यू नो, इन दिस पोएम ऑल्सो ही हैड टच्ड द बेसिक थीम दैट इज़ इनइक्वालिटीज ऑफ पीपल एंड हाउ अर्बनाइजेशन हैज़ led to the, you know, destruction of rural area. और इसमें what is he feeling right now? That is majorly focusing on the plight of the rural people and how one can help them to get over it, right? So guys, यहाँ पर एक चीज़ को अगर मैं focus कराना चाहूँ आपको, तो basically हम जो कहना चाहेंगे वो simply इतना है कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में बात कर रहे होते हैं किसी भी पोएट के लिए या किसी भी पोएम के लिए, तो हम प्रेजेंट टेंस को ही लेके चलेंगे. लाइक मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो अब है नहीं, व्हाई वी आर सेइंग इज, व्हाई नॉट वाज एंड ऑल. सो दैट इज बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट हिज थीम्स एंड अदर थिंग्स, हिज आइडियाज एंड अदर थिंग्स. सो वी विल डिस्कस इट इन प्रेजेंट टेंस ओनली. गाइज, पोएम को हम वैसे ही लेके चलेंगे जैसे पोएम हमने बाकी की हैं. तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874-1963 अ हाईली एक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी के पोएट रहे हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट रहे हैं अमेरिकन. रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप्स. His poems are concerned with human tragedies and fears. Generally, उनकी जो poems थी वो इन्हीं चीज़ों से relate करती थी. His reaction to the complexities of life and his ultimate acceptance of his burdens. ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर discuss की है. Stopping by the woods on a snowy evening, birches, mending walls are a few of his well-known poems. In the poem, A Roadside Stand, Frost presents the lives of poor, deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanities. Guys, ये वाली line जो है आपको बिल्कुल याद रखनी है, और कहीं पर भी poem में अगर question आपको आ जाए board में कि theme क्या है या basic message क्या है poem का, तो एग्जैक्टली आपने इसी पॉइंट्स को बताना है, इन्हीं पॉइंट्स को मेंशन करना है. लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव पीपल विद पिटिलेस क्लैरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपथी. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैसा सोचते हैं रूरल एरिया के बारे में और कैसा यू नो फील करते हैं, और कोई सॉल्यूशन उनको मिलता है या नहीं, हम इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे. ओके गाइज, सो बिफोर यू रीड, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड, वॉट हैव यू ऑब्जर्व देयर? तो आप लोग क्या कभी कहीं रुके हैं रोड साइड स्टैंड में? रोड साइड स्टैंड जो वेंडर्स आपको मिलते हैं, यू नो, जैसे ही आप हाईवेज पे जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलते हैं, तो जो हाईवेज पे रोड के साइड में जो रोड साइड स्टैंड्स लगे होते हैं, वेंडर्स हु आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, हु आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज एंड अदर थिंग्स. सो बेसिकली उन पर्टिकुलर लिटिल शॉप्स को यहाँ पे रोड साइड स्टैंड बोला गया है. और कहीं ना कहीं जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो फार्मर फैमिली को बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी अल्टीमेट कॉलिंग पोइट्री थी, जो उनको फाइनली मिली भी और लोगों ने उनको एक्सेप्ट भी किया. तो इसमें उन्होंने उन फार्मर्स की पिटिफुल कंडीशन को शो किया है, जो कि वो बहुत ही अच्छे से समझते रहे हैं. सो गाइज, द लिटिल ओल्ड हाउस अगर हम स्टार्ट करें, तो राइम स्कीम जो हमारी पोएम की है वो अगर देखोगे आप यहाँ पर, तो शेड अ स्पेड अ प्लेड ए ब्रेड ए, ठीक है, शेड स्पेड प्लेड ब्रेड ए की में चल रहा है. सपोर्ट्स पेंट अहेड, सॉर्ट्स पेंट रॉन्ग, आगे डिफरेंट मिलता है हमको. तो हम एक
सेम जोन में इनको नहीं लेके जा सकते, कहीं डिफरेंट मिल रही है हमें राइम स्कीम तो कहीं डिफरेंट मिल रही है. और आप जानते ही आए हो कि अभी तक 12th में आपको फ्री वर्स में भी पोएम्स मिल रही हैं. सो हम सिंपली लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन को लेकर चलेंगे. और यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहला वर्ड जो है, जो हमें सबसे पहली चीज़ समझने के लिए यहाँ मिलती है, लिटिल ओल्ड हाउस. द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड. तो जो लिटिल ओल्ड हाउस है वो बाहर आया एक लिटिल न्यू शेड के साथ. व्हाई इट कम्स आउटसाइड? बिकॉज ऑफ द एनक्रोचमेंट ड्यू टू सिविलाइजेशन, राइट? एनक्रोचमेंट क्या होता है? जब आप किसी भी लैंड को कवर करते हैं अपनी किसी बेसिक नीड्स की वजह से, लेकिन जब इकोनॉमी ग्रो करना शुरू करती है, कंट्री ग्रो करना शुरू करती है, अर्बनाइजेशन स्प्रेड होना शुरू होता है, तो उस प्रोसेस की ड्यूरेशन में जब हम रूरल एरियाज में इन्वेड करना शुरू करते हैं, उनके एरियाज छोटे होते चले जाते हैं, कंट्री साइड एरिया, और सिविलाइजेशन के चलते सिटीज बिग होती चली जाती हैं, या हाईवेज चाहिए, रोड चाहिए, उनके एरियाज बहुत स्मॉल 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 होते चले जाते हैं. तो जो अभी तक इनसाइड टर्न थे, दे आर नाउ टर्निंग आउटसाइड इन द होप ऑफ गेटिंग समथिंग गुड फ्रॉम द सिटी पीपल. यही है लिटिल ओल्ड हाउस, जो कि किसको कहा गया है? एक स्मॉल शेड को, लिटिल न्यू शेड, यू नो, उन्होंने उस चीज़ को एक बहुत ही बेटर वे में तैयार किया है कि वो छोटी सी जगह तो है, रोड साइड स्टैंड बहुत ही पुराना तरीका है, लेकिन उसको एक अपनी आर्ट वगैरह के थ्रू एक लिटिल शेड दिया गया है उसके ऊपर, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड. तो कंट्री साइड एरिया है, एज ऑफ द रोड, वेयर द ट्रैफिक स्पेड. तो जहां पे ट्रैफिक बहुत स्पीड से पास ऑन हो रहा है, तो दिस स्पेड इज स्पीड स्पेड स्पेड. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. तो जो रोड साइड स्टैंड वहां पर है, बहुत ही पैथेटिकली जिस पोजीशन में है वो, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वेंडर्स आउट देयर आर प्लीडिंग from the passers by that they might buy something from these people. So वो जो हमें यहाँ पर बताई गई है चीज़, वो simply इतनी है कि शायद pathetically plead का meaning यहाँ पर क्या है, कि वो जो plead है उनकी eyes में, वो दिखती है कि कोई ना कोई आएगा और रुकेगा. अब यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि खाली ये कह देना कि वो simply एक dole of bread के लिए उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आए उनसे कुछ परचेज करें, जिसके चलते वो कुछ परचेज करके अपने लाइवलीहुड चला सकें, ब्रेड एंड बटर अरेंज कर सकें. नो, दिस इज नॉट राइट टू से. बट फॉर सम ऑफ द मनी, द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट. तो इन्होंने ये बोला कि ये जो अब क्वेश्चन आता है आपको बेसिकली, कि रोड साइड स्टैंड किस पर्पज से वहाँ पर रखा गया है, या किस पर्पज से वहाँ पर आया है, और कौन प्लीड कर रहा है उसके लिए. सो उन्होंने कहा, इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. ऐसा नहीं है कि हम ये कहें ओनली टू अर्न सम मनी यहाँ पर, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स, कुछ ऐसा कैश जिसके कैश फ्लो की वजह से जो इनकी फैमिली में द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेट उनको सपोर्ट कर सके. यहाँ फ्लावर ऑफ सिटीज किसको कहा गया है? एक इमेज है फ्लावर्स ऑफ सिटी. यहाँ पर पोएटिक डिवाइस में अगर आप बात करें तो इमेजरी में आप इसको ले सकते हैं, फ्लावर ऑफ सिटीज को. और ये फ्लावर्स ऑफ सिटीज इंडिकेट करता है वेल्थ को, मनी को, इट कुड बी एनीथिंग जो भी इनके यहाँ पर इनको फ्लरिश करने में हेल्प कर सकती है. द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड अहेड. अब इनकी प्लीट को, इनकी रिक्वेस्ट को, इनकी होप को नोबडी इज एबल टू कन्वे, या नोबडी इज एबल टू नोटिस्ड, राइट? ना ही वो अपने पैसर्स बाय को कन्वे कर पा रहे हैं कि हाँ आप आके इनकी हेल्प करो. तो पॉलिश ट्रैफिक, आप अगर यहाँ पर देखो बेटा, ये पॉलिश ट्रैफिक, ये कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? ये पोएटिक डिवाइस यूज की गई है हमारी ट्रांसफर एपिथेट. वन सेक. सो ये पॉलिटिक जो हमारी डिवाइस यूज की गई है पॉलिश ट्रैफिक में, दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. कैसे है ये ट्रांसफर्ड एपिथेट? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है. ट्रांसफर एपिथेट होता है
जब कोई भी टू वर्ड्स यूज होते हैं उसके अंदर और किसी ऑब्जेक्ट में उसको यू नो पर्सोनिफाइड मैनर में उसको शो किया जाता है, लाइक ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक पॉलिश्ड है. इट इज़ नॉट ट्रैफिक की जो बड़ा डिसेंटली मूव कर रहा है, बहुत ही सही मैनर में चल रहा है कहीं से कहीं तक, या उनको बिल्कुल ट्रैफिक एटिकेट्स है. नो, जो भी कार्स वगैरह वहाँ से पास आउट हो रही हैं, जो भी ट्रैफिक व्हीकल्स वहाँ मूव कर रहे हैं, दे बिलोंग टू द पॉलिश क्लास. दैट मीन्स पॉश क्लास या फिर रॉयल क्लास को बिलोंग करती है, सिटी क्लास को बिलोंग करती है. दैट इज वाई ट्रैफिक इज नॉट पॉलिश. जो व्हीकल्स बिलोंग करते हैं जिस क्लास ऑफ क्लास और कम्युनिटी को, दैट इज पॉलिश्ड. दैट इज वाई इट इज ट्रांसफर एपिथेट. तो जो पॉलिश ट्रैफिक वहां से निकलता है, यानी कि जो पॉलिश पीपल वहां से पास बाय करते हैं, दे डू नॉट बॉदर अबाउट द पिटी और प्लीड ऑफ, दे डू नॉट बॉदर दैट कि ये लोग उनसे प्लीड कर रहे हैं या फिर इनको ये रहता है कि ये लोग आकर हमसे कुछ बाय करें. सो द पॉलिश ट्रैफिक पास विद द माइंड अहेड, कुछ उनको बॉदर नहीं है. और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, अगर कभी मोमेंट मिल भी जाए कि वो लोग आकर रुकते हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, तब जब वो देखते हैं कि पूरा लैंडस्केप मार्ड मीनिंग रुइंड हो गया है आर्टलेस पेंट के चलते, या फिर उन्होंने ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, मीनिंग यहाँ पर क्या है, इफ एवर दीज पॉलिश ट्रैफिक स्टॉप देयर, देन द ओनली रीजन टू बी स्टॉप देयर टू क्रिटिसाइज देम कि क्या लोग हैं यहाँ पर आकर रुक गए हैं, देखो ये आसपास की सीनिक ब्यूटी को रुइन कर रहे हैं, दे आर रुइन, दे हैव रुइन द सीनिक ब्यूटी अराउंड द कंट्री साइड, एंड लुक हाउ दे हैव रिटन दिस एन टर्न रॉन्ग एस टर्न रॉन्ग, मीनिंग नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन को रॉन्ग लगाया होगा. तो पॉलिश ट्रैफिक किसी भी जजमेंटल कॉन्क्लूजन पे पहुंच रहा है, लेकिन उस कॉन्क्लूजन पे पहुंचने से पहले दे आर नॉट कीपिंग इन देयर माइंड दैट दीज पीपल आर डिप्राइव्ड सेक्शन एंड दे डू नॉट गेट द प्रियोरिटी, दे डू नॉट गेट द फैसिलिटी टू बी एडुकेटेड. इफ दे आर गेटिंग दैट, देन ऑल्सो यू नो वेरी वेल कि वॉट काइंड ऑफ एडुकेशन दे रिसीव, कितना उनके साथ, आप ये बात यहाँ पर रखेंगे कि कितना उनके साथ एक बायस ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो आगे कहा जाएगा. अब आपने ये रीड किया 1874 टू 1963 तक हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं उनका लाइफ टाइम रहा है, तो उस ड्यूरेशन में कई बच्चों को यहाँ पे ये लगेगा कि मैम अब तो उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, अब तो उनको बहुत ज़्यादा उनके लिए वर्क किए जाते हैं. अगर पॉलिटिशियंस को देखें, हम तो सिर्फ यही यही लोग हैं और कोई भी नहीं है कैटेगरी के अंदर, बट आप हम सब ये जानते हैं कि दे आर मेयर वोट बैंक फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज़. Nobody is ready to do something good for them wholeheartedly. कोई उनके लिए सही से काम नहीं करना चाहता. आज की conditions फिर भी बेटर होंगी, लेकिन पहले के टाइम में ये चीज़ें नहीं थी, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन सब चीज़ों को देख के यू नो डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे कुछ भी. तो दैट इज वाई ही हैज पेन डाउन इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री. और यहाँ पर जो ये इंसिडेंट है वो सिंपली इंडिकेट करता है कि चाहे वो अपने अमेरिका के रोड साइड स्टैंड को यहाँ शो कर रहे हो, लेकिन आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, एक जो आपको रिच और पुअर का गैप दिखेगा वो दिखता ही है. और रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी किस तरह से पुअर पीपल को या डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ट्रीट करता है, वो आप हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं. सो हियर ही इज सेइंग दैट दीज सो कॉल्ड सिविलाइज पीपल आर नॉट सिविलाइज इन द मैनर दे शुड बी. आपको सिविलाइज आपका पैसा क्या है, स्टेटस क्या है, कार कौन सी है, इन चीजों से नहीं कहा जा सकता. आपका जो माइंड सेट है वो कितना सिविलाइज है, दैट एक्चुअली मैटर्स. तो विदाउट क्रिटिसाइजिंग, इफ यू कैन हेल्प देम देन हेल्प, बट इफ यू कैनॉट हेल्प देम देन डू नॉट एवर क्रिटिसाइज देम. आप उनको क्रिटिसाइज करने का भी राइट नहीं रखते. अगर आप उनकी लाइफ में कुछ बेनिफिट लास्ट दे सकते हैं, कुछ उनकी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, तब तो आप जरूर उनको क्रिटिसाइज करके उनको चेंज करने की कोशिश करें. बट इफ यू आर देयर ओनली टू क्रिटिसाइज देम देन डू नॉट बी देयर. सो यहां पर सिर्फ इन चीजों को क्रिटिसाइज करने के बाद ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वॉट्स. तो
एक आर्टलेस पेंट को, जिसे आप अक्सर देखते हो कि रोड साइड स्टैंड पे ब्यूटीफुल से पेंट कर देते हैं, तरीके से लिख देते हैं कुछ भी, तो दिस इज वॉट ऑल दे नो, दिस इज वॉट ऑल दे कुड डू, दैट इज वाई दे हैड पेंटेड लाइक दैट ओनली. तो उनको क्रिटिसाइज करने से अच्छा यहाँ पर आप उनको अगर हेल्प कर सकते हो उनके प्रोडक्ट को खरीद के, कुछ पैसे उनको दे के, बिकॉज दे आर नॉट बेगिंग दैट, दे आर जस्ट ऑफरिंग यू सम प्रोडक्ट, इन एविज ऑफ दैट यू कैन वन कैन अर्न समथिंग ना. सो इफ यू कैन हेल्प देम इन दैट मैनर देन हेल्प, अदरवाइज डोंट क्रिटिसाइज देम. तो उन्होंने कहा या फिर आप वाइल्ड बेरीज के बारे में जो वुडन क्वार्ट्स में रखी गई हैं उनको नहीं देखेंगे, या गोल्डन स्क्वाश को सिल्वर वॉर्ट्स, उसके जो ऊपर वुडन लिड होता है उसको सिल्वर उससे कवर किया जाता है, उसको यहाँ मेंशन किया गया है. और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, तो ब्यूटी सिर्फ क्या ब्यूटीफुल माउंटेन सीन में ही रह जाती है, इट इज एक्चुअली इन द आई ऑफ बीहोल्डर, कि वो किन चीजों को कैसे देखता है. अगर आप अप्रिशिएट करना भी सोचो तो किस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, डिप्राइव होते हुए भी, अनएजुकेटेड होते हुए भी, हर तरफ से लेस होते हुए भी, हाउ दे आर रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, आप उसको नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं लेकिन आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनकी आर्ट को, या उन्होंने नॉर्थ और साउथ को रॉन्ग लिख दिया है. तो यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग. आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप मीन बनना चाहते हैं, या मीन से क्या मतलब है, इनसेंसिटिव. आप किसकी तरफ इनसेंसिटिव हैं, इनसेंसिटिव हैं आप डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए. इफ यू वॉन्ट टू बी इनसेंसिटिव प्लीज गो अवे, डोंट स्टे देयर. दिस क्रॉसली, यहाँ पर आपको बहुत जगह पे क्रॉसली टर्म लिखी हुई मिलेगी, ये यहाँ पर लिखा जाता है ब्रैकेट के अंडर टू शो द मूड ऑफ द पोएट और ऑथर. यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत गुस्से से बात लिखते हैं एंड ही इज वेरी एंग्री विद द एटीट्यूड ऑफ सिविलाइज, सो कॉल्ड सिविलाइज पीपल. तो उन्होंने कहा यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग. अपना पैसा अपने पास रखो और वहां से चले जाओ. द हर्ट टू द सीनरी वुडन्ट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसेड. तो यहां रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी बात कहते हैं कि सीनरी को जो हर्ट हुआ है वो मेरी कंप्लेंट नहीं है, मेरी कंप्लेंट ये है जो ट्रस्टिंग सोरोज बिट्रे हुए, जो अनसेड रह गए. अब देखो बेटा, सीनिक व्यू को कौन मार कर रहा है, दैट मीन्स हु इज रुइनिंग द सीनिक व्यू और द एनवायरमेंट, हु इज क्रिएटिंग पॉल्यूशन. इफ यू कैन सी फ्रॉम द आई ऑफ कंट्री फोक, जो रहने वाले हैं विलेज एरिया के रूरल पीपल की आई से अगर आप देखो, तो किसकी गाड़ियां हैं पॉश कार्स और किसके व्हीकल्स हैं, कौन सी सेक्शन को वो बिलोंग करते हैं और वो कितना पॉल्यूट करते हैं एनवायरमेंट को, आप हम सब जानते हैं. तो हु इज एक्चुअली रुइनिंग द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स, कौन उनकी ब्यूटी को स्पॉइल कर रहा है. दीज आर नॉट रोड साइड स्टैंड, ठीक है, दीज आर नॉट दीज पीपल who are spoiling the beauty of the mountain scene, they are helping you to cross your to live your journey gracefully, ki aapko agar kuch bhi nahi milta aas paas to inki help se aap aage leke chal sakte hain. to according to robert frost wo is question ko kahe rehne dena chahte hain ki kaun ruin kar raha hai, ye to dekhne wale ko pata hai ki, lekin aap criticize karke ye jaate hain ki these rural people आर ब्लॉट बेसिकली. सो आगे वो ये कहते हैं सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो. ट्रस्टिंग सोरो की बात यहाँ पर क्या है, ट्रस्टिंग सोरो यहाँ पे कहा गया है, अगेन अगर आप देखोगे ट्रांसफर एपिथेट है ये, सोरो ट्रस्टिंग नहीं है. सैडनेस अराइजेज आउट ऑफ ब्रोकन ट्रस्ट, दैट इज एक्चुअली सोरो. तो वो आइडिया ट्रांसफर हुआ है कि वो सैडनेस जो ट्रस्ट बिट्रे होने से डेवलप हुआ है, वॉट इज अनसेड. कहीं ना कहीं एक रोड साइड स्टैंड लगाने के लिए अगर कोई भी आया है, किसी पर्सन ने अगर ये सोचा कि मैं रोड साइड स्टैंड लगाता हूँ, हाईवे है, बहुत सारी कार्स निकलती हैं, लोग यहाँ से सो कॉल्ड बड़े अच्छे फैमिली के लोग जाते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, मे बी दे कैन वैल्यू एस, दे कैन बाय समथिंग फ्रॉम अस सो दैट वी कैन अर्न आर लाइवलीहुड एंड मेक आर ब्रेड बटर in such a manner that our family will lead a good life.
तो अगर वो ये सोच के इस ट्रस्ट के साथ अगर वो हाईवेज के पास आके बैठते हैं और आपको कुछ अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, और वो जो सॉरो है अनसेड रह जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वो ट्रस्ट बिट्रे हुआ, जब वहाँ से पासर्स बाय जितने भी हैं वो बजाय उनके प्रोडक्ट को परचेज करने के दे स्टैंड ओवर देयर टू क्रिटिसाइज देम, देन द सॉरो इज लर्किंग अराउंड, कि वो जो एक सैडनेस है वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में रह जाती है बिकॉज ऑफ द ब्रोकन ट्रस्ट. हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड. अब वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, बहुत दूर बैठे हैं सिटी से, वी मेक आर रोड साइड स्टैंड, हम खुद से, बहुत दूर होने का मतलब ये है कि वॉट एवर थिंग्स दे आर ऑफरिंग देम, इस जगह पर अवेल कराना टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. ठीक है, चाहे अगर वहां पर आप उनके प्रोड्यूस की बात करें, दीज पीपल आर फार्मर्स, तो अगर वो अपने प्रोड्यूस को भी यहाँ लाकर आपको सेल करते हैं या आपको अपना प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, तो उसके पीछे आपको समझना क्या चाहिए कि कहीं ना कहीं दे आर कनेक्टेड टू देयर प्रोड्यूस, दे आर कनेक्टेड टू द ऑफरिंग्स व्हाट दे आर ऑफरिंग यू टू द थिंग्स. आप ने देखा नहीं कभी, आपने अगर कोई प्लांट को ग्रो नहीं किया लाइफ के अंदर, अगर आपने कभी किया हो तो उसमें से जब फ्लावर निकलता है और जब वो फ्लावर डाई होता है तो थोड़ा बहुत आप सैडनेस फील करते हैं अपने अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि दैट इज योर क्रिएशन, यू हैव नर्चर्ड दैट फ्लावर, यू हैव सीन दैट ग्रोइंग एंड यू हैव सीन दैट डिकेइंग. तो डाउन बेनेथ द लाइन हम ये कह सकते हैं यू डेवलप अ बॉन्ड with that flower. Similarly, these farmers develop a bond with their product, their produce. If they offer that produce to people and they are not bothering them, then their sorrows, their trusts are broken. So here, far from the city. Far from the city indicate क्या करती है बेटा? यहाँ पर alliteration आपको समझ आ रहा होगा, for सब जगह जो चल रहा है alliteration. Now I believe कि इतनी सारी poems करने के बाद एलिट्रेशन तो आप बहुत अच्छे से गेस कर सकते हैं. मैं आपके साथ उन पोइटिक डिवाइसेस को एक्सप्लेन कर रही हूँ जो एग्जैक्टली आपको लगता है कि आप नहीं गेस कर पा रहे या नहीं अच्छे से समझ पा रहे. तो सिटी से दूर होने का रीज़न कि बहुत डिफिकल्ट है ये डिस्टेंस कवर करना, स्टिल दे डू इन होप ऑफ गेटिंग समथिंग गुड फ्रॉम द सिविलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट. And ask for some city money to feel in hand to try if it will not make our being expand. So, कुछ city money के hope में, इसको greed नहीं कहा जाएगा, they are not begging from you. Begging, आप कह सकते हैं कि shamelessly जो beg करता है आपसे, तो आप उसको criticize करने का right रखते हैं if that person is eligible enough to earn something. But they people are choosing the way to earn. ठीक है, वे टू हार्ड वर्क, ये वो चीजें चूज कर रहे हैं. उसके बाद भी अगर सिविलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी इनका हेल्प नहीं करेगा, वो लोग इनसे परचेज नहीं करेंगे. लाइक आप बेटा किसी भी जगह पर जाते हैं, मॉल वगैरह में जाएं तो हम जो कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग परचेज करते हैं, जो इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, वहाँ आपसे वो जो भी रेट आपसे मांगेंगे आप उन रेट्स को पे करते हो, चाहे वो स्टैंडर्डाइज्ड फेमस रेस्टोरेंट हो, स्टैंडर्डाइज्ड फेमस आउटलेट्स हो, फूड आउटलेट्स हो, आप वहाँ पर उसको अपनी एक यू नो यूएसपी समझते हो कि ठीक है आज हमने 1000 का पिज्ज़ा खाया या आज हमने इतना इस पर्टिकुलर कॉफी पे किया. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, आई एम जस्ट सेइंग यू कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो समवेयर डाउन द लाइन आपको हार्म पहुंचा सकते हैं. ठीक है, नॉट कॉफी बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. ये कोल्ड ड्रिंक्स जो आप एक्सेस में कंज्यूम करते हो, जो यू नो मैदा प्रोडक्ट आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं एंड यू आर नॉट बॉदरिंग देम. यू आर बाइंग स्लो पॉइजन इन द फॉर्म ऑफ दीज फूड प्रोडक्ट्स. बट वहीं अगर आपको फ्रेश प्रोडक्ट मिलता है मार्केट में से, रोड साइड स्टैंड उनको सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको नारियल पानी वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, पूरी धूप में वो वहां पर बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं पूरे दिन में, ना जाने एक भी कस्टमर आकर अगर उनके पास नहीं रुकता, और गलती से अगर एक आ जाए तो वो भी कहे सर आप 40 क्यों बोल रहे हो, आप 40 की बजाय
30 लगा लो, 20 लगा लो, तो आप समझ सकते हो कि उनको कैसा फील होगा. ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नरिश करेगी. और इस पर्सन के पास ना तो एसी रूम है, ना ही इसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये अट्रैक्ट कर सके. ये बस आपको नेचर का प्योर प्रोड्यूस आपको सर्व करने के लिए बैठा है यहाँ. मे बी वही 40 रुपीज़ आज उसको पूरे दिन में मिलने हों, और उसी 40 रुपीज़ से वो जो भी मैनेज कर पाएगा अपने घर के अंदर, फूड अवेलेबिलिटी, वो शायद उसी पैसों से आनी हो. उसमें भी आप बार्गेनिंग करना चाहते हैं, या उसमें भी आप चाहते हैं कि आपको कुछ लेस करे, आप वैल्यू नहीं करते या उनके एफर्ट्स को इग्नोर करते हो, उनसे तरीके से बात नहीं करते, तो आप खुद समझ सकते हो कि कैसा फील होगा. उस मनी के लिए, उस मनी की होप में ये बैठे हैं वहाँ पर रोड साइड स्टैंड वाले. बट इफ़ यू आर नॉट वैल्यूइंग देयर एफर्ट्स, इनफैक्ट आप एफर्ट्स छोड़ दो कि आप वैल्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एक सॉफ्ट कॉन्वर्सेशन, सॉफ्ट कम्युनिकेशन तो हर कोई डिजर्व करता है ना अपनी लाइफ के अंदर. अगर आप उनको ढंग से ट्रीट भी नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर. दैट इज एक्चुअली कॉजिंग हार्म टू देम, और वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है. टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बींग एक्सपैंड, जिससे इनका एग्जिस्टेंस बढ़ सके, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस. मूविंग पिक्चर्स यहाँ पर किसको कहा गया है? मूवीज वगैरह को, मीडिया, सिनेमा, इनके थ्रू इनके भी इमोशंस हैं. जब ये देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, वर्ल्ड ऐसा ब्यूटीफुल दिखता है, दे ऑल्सो वॉन्ट टू ट्रेवल अराउंड, दे ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रूम देयर चिल्ड्रेन, दे ऑल्सो वॉन्ट टू डेवलप इन एवरी वे, राइट? सो मनी इज द बेसिक थिंग ना बाय विच दे कैन इम्प्रूव इन देयर लाइफ, सो दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस. सो ये चीज़ जो है, उन्होंने कहा कि मूविंग पिक्चर्स ने जो प्रॉमिस किया है, ये जो मूवीज़ वगैरह हैं वो प्रॉमिस भी फेक थे. उसके अलावा जो पार्टी इन पावर है, यहाँ पर पॉलिटिशियंस के बारे में बात की गई है कि वो लोग भी क्या करते हैं, उन लोगों ने प्रॉमिस किया है हमसे कि हम तुम्हें जाकर कुछ ऐसी लाइफ देने वाले हैं जो भी पिक्चर्स में उन्होंने दिखाई, या उन्होंने अपने अपने जो कुछ भी प्रॉमिसेस थे वो उनके आगे रखे, और उनको ऐसे ड्रीम्स दिखाए कि तुम आने वाले टाइम में इस तरीके से ग्रो कर सकते हो लाइफ में. इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटिफुल किन, अब न्यूज़ किसको है? मीडिया अगेन. ऑल दीज पिटिफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर. और ये न्यूज़ में है, मीडिया में है, कि इन पिटिफुल, पिटिफुल मतलब जिन पे सिंपथी की जा सके, ये सारे जो पुअर पीपल हैं इनको लाया जाएगा, और इन पे मर्सीफुली आउट ऑफ सिंपथी इनको इकट्ठे करके विलेजेस में जहाँ ये रहते हैं उसको सिटी लेवल का किया जाएगा, और इनको ऐसे प्लेसेस दिए जाएंगे जो थिएटर्स के पास में होंगे, स्टोर्स के पास में होंगे, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहाँ उनको अपने बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे स्वाम ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स. जबकि ये जो प्रोमिसेज हैं ये बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है इन पॉलिटिशियंस का, इन ब्यूरोक्रेट्स का. और इनको यहाँ पर कहा गया है ग्रीडी गुड डूअर्स. ग्रीडी गुड डूअर्स जहाँ पर एलिट्रेशन है, वहीं साथ साथ ये हमारा ऑक्सीमोरॉन भी है. ऑक्सीमोरॉन के लिए मैंने आपसे एक बात समझाई थी कि दो वर्ड्स होते हैं जिसमें आइडियाज ऑपोजिट होते हैं. लाइक अगर मैं कहती हूँ डार्क डे, तो डे ब्राइट होना चाहिए, डार्क नहीं एक्सप्रेशन क्रिएट करने के लिए. तो जो गुड डूअर्स हैं, जो हमारे बेनिफेक्टर्स हैं, वो ग्रीडी कैसे हो सकते हैं? गुड डूअर तो मदर टेरेसा जैसे लोग होते हैं, गुड डूअर्स तो नेल्सन मंडेला जैसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया, भगत सिंह जैसे लोग होते हैं, वो ग्रीडी कैसे हो सकते हैं? सो ये ग्रीडी गुड डूअर्स मतलब जो अच्छा अच्छा शो करके आपको, और इंटेंशन जो उनकी है वो वर्स करने की है, ठीक है? वॉल्फ इन द फॉर्म ऑफ शीप, अगर वो है यहाँ पर तो आप उनको पहचानोगे कैसे? जो आपको आपका गुडी पार्ट शो करके, कि आपको अच्छा अच्छा शो करके, लेकिन एक्चुअली आपको स्पॉइल करने निकल रहे हों, उनको इंडिकेट किया गया. तो ग्रीडी गुड डूअर्स कौन है? पार्टी इन पावर, मीडिया एंड ऑल, जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि उनकी लाइफ ऐसे चेंज हो जाएगी, राइट? बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे भी जो है ये हमारा ऑक्सीमोरॉन है. बीस्ट ऑफ प्रे जितने भी
शार्क्स के फॉर्म में बैठे हैं मार्केट के अंदर, रेडी टू अटैक, जो किसी भी मोमेंट पे आपको सिर्फ और सिर्फ अटैक करके आपको खत्म करना चाहते हैं वहां से, अल्टीमेटली ये बेनिफिशरीज निकलेंगे और इनके लिए ये ग्रीडी गुड डूअर्स काम कर रहे हैं. स्वाम ओवर देयर लाइफ, मतलब उनकी लाइफ के ऊपर पूरा एक जैसे स्वाम क्या होता है, जो हनी बीस का होता है ना झुंड, उसको स्वाम बोलते हैं जब वो एकदम से इकट्ठा हो जाए सबके ऊपर, तो सब तरफ से घेरे बैठे हैं इनको. सो स्वाम ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स. बहुत दिमाग लगा के जो इन्होंने कैलकुलेटेड मूव चला है, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दैट स्लीप ऑल डे. और उनको ये सिखाते हैं कि अगर तुम हमारी बात मानोगे, हमें वोट करोगे, हम तुम्हारे लिए वर्क करेंगे और फिर तुम्हारा, तुम्हारे घर, तुम्हारी जगहों पर ये चीज़ें ऐसी बनाएंगे और तुम आराम से सो सकते हो. तो फार्मर्स जिनका काम है अर्ली मॉर्निंग उठ के फार्मिंग करना, अपने हार्डवर्क जिनका यू नो लैंग्वेज ऑफ लाइफ है, उन लोगों को ये सिखाना कि अब तुम्हें वो हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ तुम्हें आसपास मिलेगा, वो एक फेक इमेज है, वो एक फेक फॉल्स ड्रीम है जो उनको शो किया जा रहा है. और एग्जैक्टली ये सब चीज़ें उस फॉर्म में होने वाली नहीं है. डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे. Sometimes I feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. ये जो childish longing है बेटा, this is very important. यही इस poem में से अक्सर पूछा जाता है कि childish longing किसको कहा गया है. एक बच्चा होता है ना, वो किसी भी चीज़ की wish कर सकता है, वो किसी भी चीज़ को जिद कर सकता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए इस particular time में. उसको नहीं पता कि उसको ये चीज़ पॉसिबल है भी या नहीं मिलनी इस लाइफ के अंदर, लेकिन बच्चा है, ही और शी कैन विश फॉर एनीथिंग, चाहे वो उनकी रीच में हो चाहे ना हो, अच्छी हैं. तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी इस विश को कि इन लोगों को जस्टिस मिले, सिविलाइज्ड सोसाइटी इनको समझे, एक ऐसा वर्ल्ड आए जिसको यूटोपिया कह सकते हैं, उन सब में लोग एक दूसरे के एंटी ना हो के, जजमेंटल ना हो के, इन लोगों को अंडरस्टैंड करें और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया नाम की चीज ना हो, ऑल ओवर द कंट्री, एक ही कंट्री की फॉर्म में आप उसको देखो. वैसे तो अर्थ, यूटोपिया में पूरी अर्थ को एक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो तो ये उसको चाइल्डिश लॉन्गिंग कहते हैं कि शायद मेरे को लगता है कभी कभी ये मेरी चाइल्डिश लॉन्गिंग है जो कभी पूरी नहीं होगी और बेकार में ही. थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि कभी कभी तो मैं बेयर नहीं कर पाता इस आइडिया को. द सैडनेस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सैडनेस. सैडनेस अक्सर क्वेश्चन आता है, किस चीज की सैडनेस है यहाँ पे. दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, दैट वेट ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर. समझने वाली लाइन है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. सबसे पहली चीज, सैडनेस दैट लर्क्स, यहाँ पर सैडनेस को परसोनिफाई किया गया है जो हर समय वहाँ पर बैठी है, जो उदासी छाई हुई है, लर्क्स अराउंड, जो हर तरफ सैडनेस है. उस सैडनेस को आप क्या कहेंगे, कैसे वो सब तरफ फैली हुई है. नियर द ओपन विंडो, ओपन विंडो यहाँ किसको बोला गया है, रोड साइड स्टैंड पे बैठ के जो उनका एक जो काउंटर है जिससे वो कोई भी चीज़ ऑफर करते हैं सामने वाले पर्सन को, वो ओपन विंडो. वहाँ पर हर कार को देखते उनको एक होप बनती है कि अब ये कार शायद आए, मेरे पास रुके और मुझसे कुछ परचेज करें. वहीं जब वो कार पास कर जाती है या और कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज करके जाती है, तब इनके मन में जो सैडनेस आती है, वो सैडनेस वहां पर उसको पर्सोनिफाई किया गया है. द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर. व्हाट डज ओपन प्रेयर मीनिंग, कॉन्स्टेंटली दे आर प्रेइंग टू गॉड दैट समबडी माइट स्टॉप ओवर देयर एंड समबडी माइट गेट समथिंग फ्रॉम देम सो दैट दे कैन अर्न सम सिटी मनी एंड दे कैन वर्क फॉर देयर बींग टू एक्सपैंड, राइट. तो ये चीज कर सकते हैं. फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, लेकिन होता क्या है, जैसी जोर से ब्रेक्स लगती हैं कार की, तो स्क्वील हमारा ऑनोमोटोपिया है, पोएटिक डिवाइस इधर.
साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, एक कार जैसी रुकती है, जैसे ही स्क्वील ऑफ ब्रेक सुनने में आते हैं, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास. सेल्फिश कार्स कौन सी पोएटिक डिवाइस है बेटा? दिस इज ट्रांसफर एपिथेट. कार्स सेल्फिश नहीं होती, जो उसको ड्राइव कर रहे हैं वो सेल्फिश है या सेल्फलेस है. सो ये भी आइडिया ट्रांसफर हुआ है कार्स तक. दिस इज सेल्फिश कार्स दैट पास जस्ट वॉन्ट टू इंक्वायर वॉट अ फार्मर्स प्राइजेज आर. तो वो जो सेल्फिश कार्स हैं वो सिर्फ वहां आके रुकते हैं, अरे जैसे पूछना हो कि इस जगह के क्या रेट हैं, फार्मर के प्राइजेस क्या हैं, उनके उनके प्रोडक्ट के प्राइजेस क्या हैं. एंड वन डेड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप द ग्रास. कोई रुका वहां पर लेकिन सिर्फ इसलिए कि वहां पे जो ग्रास थी उसको और खत्म कर सके वो, क्योंकि उसने बैक टर्न लेना. एंड यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड. कभी कभी लोग गलत टर्न ले लेते हैं, जैसे उस समय जीपीएस सिस्टम तो होता नहीं था, तो पूछ पूछ के ही निकलना है, रास्ते पूछने के लिए रुक रहे हैं या टर्न लेने के लिए रुक रहे हैं, तो आसपास का सीनिक व्यू कौन स्पॉइल कर रहा है? अकॉर्डिंग टू रूरल एरिया देखें तो ये लोग स्पॉइल कर रहे हैं, और उनके उनके तरफ से देखें तो इनका बैठा होना उनको क्या लग रहा है कि स्पॉइल हो रहा है सब कुछ. सो अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, या फिर कोई रुकता है ये पूछने के लिए कि ये रास्ता कहाँ को जाता है. एंड अनदर टू आस्क कुड दिस हैव लिट अ गैलन ऑफ गैस, और कुछ वहां पर रुकते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि तुम क्या गैस का गैलन सेल कर सकते हो. दे कुडंट दिस क्रॉसली, और इस चीज को गुस्से में एक्सप्रेस करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट. दे कुडंट, दे हैड नन, डिडंट सी, दिखता नहीं है क्या वहां पर कि वो नहीं कर सकते हैं सेल इस चीज को, है ही नहीं उनके पास. गैस गैलन ही सेल करने होते तो रोड साइड स्टैंड लगाने की क्या जरूरत थी उनको. सो ही इज वेरी मच यू नो एंग्री विद दीज सो कॉल्ड सिविलाइज पीपल, जो उनकी होप को समझ नहीं पा रहे हैं, सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत ही ज्यादा यू नो अपसेट हैं इस अर्बनाइजेशन से और उनकी सोच से. नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्वायर्ड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड. उन्होंने कहा नहीं, ये लोग नहीं देख सकते, क्योंकि कंट्री मनी में कंट्री स्केल ऑफ गेन के चलते इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी गेन समझ में आते हैं. रिक्वायर्ड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड. एग्जैक्टली क्या हुआ था बेटा? अर्लियर व्हेन द कंट्रीज वर फॉर्मिंग एंड न्यू एरा वाज अबाउट टू बिगेन, ड्यूरिंग दोज डेज वी यूज टू लुक फॉर दैट नेशन वेयर पीपल विल बी सेंसिटिव टूवर्ड्स ईच अदर. राइट? एग्जैक्टली आप बड़े कब होते हैं? जब आप लाइफ में कुछ बड़ा कर जाएं और फिर उसी बड़ेपन को आप सोसाइटी को देना शुरू करें. एग्जैक्टली वॉट हैपन्स, पीपल थिंक व्हेन दे आर ग्रोइंग लार्ज इनफ दे मेक लार्जर फेंसेस कि उन तक कोई पहुंच ना सके, उनको यू नो कोई लोग देखे ना कि वो कितना फॉर्चून बना रहे हैं. लेकिन एग्जैक्टली बड़ा होने का मतलब है यू स्टार्ट मेकिंग योर टेबल लार्ज सो दैट यू कैन शेयर एज मच एज मैक्सिमम. आप लोगों को पता होगा बेटा बिल गेट्स एंड मेलिंडा एग्जेम्पलरी कपल. लाइफ में जो कुछ भी उन्होंने अर्न किया है वो सोसाइटी को ही सर्व कर रहे हैं उसके अंदर. रतन टाटा जैसे बिग फर्म जिनका काम, आपको पता है कि टाटा जैसी कंपनी ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में नहीं आते, ये इनको हम बोलते हैं कि फिलेंथ्रोपिस्ट होने के साथ साथ मिशनरी हैं. ये बहुत ग्रैंड पर्सन है, इनको कोई बीट नहीं कर सकता. और इन्होंने कभी भी अपना जो मॉनेटरी गेन्स है उनको ऊपर नहीं रखा, क्योंकि वॉट एवर दे अर्न दे हैड फॉर्म्ड अ ट्रस्ट, उसके थ्रू वो चीज़ें बहुत सारे चैरिटी वर्क्स पे लगती हैं, उनके लिए जो काम कर रहे हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर लगता है. यू विल बी शॉक टू नो ताज एक्सीडेंट, आप सबको पता होगा बेटा जब टेररिस्ट ने अटैक किया था और ताज होटल मुंबई में किस तरह से स्पॉयल हुआ था. ड्यूरिंग दैट मोमेंट अगर आपने देखा हो, ताज को बहुत टाइम लगा था वापस बनने में. टाटा सर ने एक भी एम्प्लॉय को विदाउट पे नहीं रखा था जब तक वो फॉर्म हुआ, और अपने एम्प्लॉयज को ही नहीं उनकी विसिनिटी के अंदर, यानी कि जो उस होटल के बाहर जितने लोग थे, जो जो वहां पर
जिनकी डेथ हुई थी, जो स्पॉइल हुए थे वहां का चाय वाला एंड ऑल, ये सब लोगों को उन्होंने पे बैक किया था. कह सकते थे कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरा अपना इतना नुकसान हो गया, बट दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ग्रेटनेस. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुछ ऐसा ही बात करने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली एक पर्सन अगर लाइफ में कुछ बड़ा हो गया है तो रिक्वायर्ड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, जो एक बेसिक चीज रिक्वायर्ड है कि लोग एक दूसरे को अपलिफ्ट कर सके, वो चीज देखने में नहीं आती. और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन. और यही कंट्री फॉक्स का कंप्लेन है कि कौन उनको लाइफ में ऊपर ले जाने आएगा, कौन उनको ग्रूम कराएगा, कौन उनको डेवलप करने में हेल्प करेगा, अगर यही सो कॉल्ड कंट्री पीपल सिटी पीपल वोंट हेल्प देम. आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन. तो वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे ग्रेट रिलीफ मिलेगा, कुछ ऐसा हो कि एक ही स्ट्रोक में इनको इनकी पेन से बाहर कर दूं. एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन. ये कहा जाता है बेटा कि जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम को लिख रहे थे, उस ड्यूरेशन में इन्होंने नाम लिखा था अ रोड साइड स्टैंड यूथनेसिया, मर्सी किलिंग, जिसमें कहा था कि शायद कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इनको एक ही बार में इनके पेन से बाहर निकाल लूं, डेथ इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग. बट फिर वही कहते हैं, जब मैं गुस्से में होता हूँ मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसा हो इनको एक ही स्ट्रोक में इनकी सारी पेन खत्म हो जाए, इनको खत्म ही कर दो जब इन्होंने लाइफ में बहुत ज्यादा सफरिंग्स देखनी है. बट देन नेक्स्ट डे आई एज आई कम बैक इन टू द सेम, फिर से जब ये इन चीजों को वापस से समझते हैं, कॉन्शियंस फील करते हैं, तब वो हैरान होते हैं इस बात पे कि मैं कैसे ये सोचता था कि आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि हाउ कैन आई फील सो फील इन चाइल्डिश मैनर कि कोई आएगा और कोई किसी के लिए इतने बेसिक वे में हेल्प करने की कोशिश करेगा उनको, या कोई उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा. हाउ कैन आई एवर एक्सपेक्ट दैट, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ पेन, और कैसे मैं आप मुझे इस पेन से बाहर निकाल सकते हो. तो यही इस तरह से वो सैडनेस में इस पोएम को एंड करते हैं, और यहाँ पर उनका ये पूरा पोएम खत्म होता है. टोन हमने कहा था, जब आप टोन में आंसर करते हैं तो पोएम का टोन क्या है, बहुत ही सैड सरेंडरिंग टोन है, वेयर ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर कंट्री पीपल एंड ही हैड कंक्लूडेड दैट हिज विश इज़ वेरी चाइल्डिश, नोबडी कैन गेट आउट ऑफ गेट दीज पीपल आउट ऑफ पेन एंड ऑल, एंड देयर इज़ ओनली वन सॉल्यूशन इफ रूरल एंड अर्बन कॉन्सेप्ट्स आर रिमूव्ड. बेसिकली जब एक कंट्री है तो वो पूरी कंट्री है. अपने इंडिया की भी यही कंडीशन है बेटा. महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत भी दो हिस्सों में बटा है, एक है रूरल इंडिया, एक है अर्बन इंडिया. जिस दिन इंडिया पूरा अर्बन हो जाएगा या जिस दिन पूरा रूरल हो जाएगा, इन इन द मैनर ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम एनवायरनमेंट वगैरह के बात में बात करें, कि अगर ये इनइक्वालिटीज़ को हम किसी तरह से ख़त्म कर दें, तो मे बी दैट डे कम्स वेन वी कैन से पीपल आर लिविंग इन कॉर्डियल रिलेशनशिप, एंड दैट कैन नॉट बी डन बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ. बिकॉज आप जानते हो पीपल इन पार्टी हाउ देवर बिहेविंग लाइक टिल या टिल नहीं कहेंगे आप, तो आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ फ्रीडम आप देख सकते हैं उनको, उन्होंने कैसा बिहेव किया और क्या अपलिफ्ट किया है. कितने टाइम से वो पॉवर्टी को लेकर बात करें, बट नो बडी सीरियस अबाउट पॉवर्टी. इलेक्शंस के टाइम में सबको पॉवर्टी याद आ जाती है, इलेक्शन के टाइम में सबको इनका पेन याद आ जाता है. तो इन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ये समझें कि अपने वोट को वेस्ट ना करें किसी फ्री सिचुएशन के ग्रीड में आके, एंड दे शुड रियली फाइंड आउट हु कैन मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट इन देयर लाइव्स. ठीक है, ऑल्दो एजुकेशन इज नीडेड टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, बट स्टिल बेसिकली हम क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट की ना होके हम सब सिटीजन्स की ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जहाँ हम सब एक दूसरे के लिए सेंसिटिव होके सोच पाएँ,
विदाउट जजिंग अदर्स वी कैन ट्राई टू वैल्यू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल, वहीं पर शायद वी कैन मेक अ रियल इम्पैक्ट ऑन समबडीज लाइफ. तो यही हमारा ये चैप्टर कहता है. क्वेश्चंस अगर आप सुनो तो सबसे पहली चीज़ बेटा, ऊपर मैंने आपको बता ही दिया है कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आप जानते हो कि आरटीसीज आते हैं आपको, जैसे ही कंक्लूडिंग लाइन में रिक्वेजिट लेफ्ट ऑफ स्पिरिट का क्या मीनिंग है, फिर लास्ट में उनका जो लाइन है कि कोई चाइल्डिश लॉन्गिंग है किस बात की, यहाँ चाइल्डिश लॉन्गिंग वाला बात है आपका, सैडनेस वाला क्वेश्चन है, बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, ग्रीडी गुड डूअर्स, ये साथ साथ मैंने आपको मार्क कर दिए हैं जो पूछे जा सकते हैं. पोएम को आंसर करने का बेस्ट वे क्या होता है, आपको पोएम के हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए और पोएटिक डिवाइसेस पता होनी चाहिए. जब आप पोएम के मीनिंग लर्न कर लेते हो तो उन लाइन्स को एक्सप्लेन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आती है. गॉट दैट. एंड टूडेज वर्क फॉर यू इज टू रीड each and every question in any resource book of this poem. So इस poem की question of this poem मैंने बोला, आपको resource book of this poem नहीं बोला. resource book कोई भी आप लें, अपने school library से लें, कोई भी resource book में आप इसको read करने की कोशिश करें. first question से लेके last तक, यानी कि RTCs से शुरू करके जो ऐसे simple questions दे रखे हैं उनसे go through हो, उनके values को पढ़ो जो साथ साथ हमने discuss किए हैं. और आफ्टर रीडिंग दोज क्वेश्चंस राइट अ समरी, जिसमें आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, उनकी थीम के बारे में भी इंक्लूड करोगे, साथ ही साथ पोएटिक डिवाइसेस को एनालाइज करोगे. अब जैसे क्वेश्चन है, द सिटी फोक हु ड्रोव थ्रू द कंट्री साइड हार्डली पेड एनी हीड टू द रोड साइड स्टैंड और टू द पीपल हु रैन इट, इफ एट ऑल दे डिड इट वॉज टू कंप्लेन, विच लाइन्स ब्रिंग दिस आउट वॉट वॉज देयर कंप्लेंट अबाउट. तो यहाँ हमने कहा था कि वो जो लाइंस हैं, जैसे कि एन टर्नड एस रॉन्ग, एन एस टर्नड रॉन्ग, वो लाइन है. आगे आपने दूसरी चीज़ें मेंशन करी हैं जैसे कि मार देयर ब्यूटी, उन लाइंस को एक्सप्लेन करना है. देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड. तो प्ली ऑफ द फोक यहाँ पर सिंपली इतनी है कि जो लोग उनके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं कर सकते, दे कैन गो टू द टू देयर कंट्री, दे आर नॉट देयर टू बेग एनीथिंग, दे आर देयर टू गेट सम कंट्री मनी सो दैट दे कैन गेट द फ्लावर ऑफ द सिटीज. तो उन पॉइंट्स को आप यहाँ पर मेंशन करके आंसर लिखेंगे. द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज अपीयर टू हेल्प द पुअर रूरल पीपल बट एक्चुअली डू देम नो गुड. पिक आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, वो मैंने मार्क कर दिए हैं गाइज. आपने उन्हीं वर्ड्स को लिखना है, पार्टी इन पावर, पीपल इन पावर, उन वर्ड्स को आप यहाँ एक्सप्लेन करोगे. चाइल्डिश लॉन्गिंग एंड वाई इज इट वेन, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एवरीबडी इज सेल्फिश एंड नोबडी इज सेंसिटिव टू वर्ड्स दीज गाइज, हाउ कैन दे बी अपलिफ्टेड, कोई भी इन चीज़ों के लिए वर्क नहीं कर पा रहा है. सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू मेक एन इम्पैक्ट. बहुत लोग सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि हम कोई इतने बिग थोड़ी हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करें. एक रियल एफर्ट ही काफ़ी है. चैरिटी करने के लिए ज़रूरी नहीं है हमारी जेब में मिलियन बिलियन डॉलर्स हो. अगर हम अपने आस पास अच्छी स्माइल भी स्प्रेड करने के लिए तैयार हो जाएँ तो इट कैन मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट. छोटे छोटे एफर्ट्स हमारे पार्ट पर अगर हम करते जाएँ तो एनवायरमेंट के लिए, शायद लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, तो उनका इम्पैक्ट एक लार्जर लेवल पे जब देखने में आएगा तो वो बहुत अच्छा आता है. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं. विच लाइन्स टेल अस अबाउट द इनसफरेबल पेन दैट द पोएट फील्स एट द थॉट ऑफ प्लाइट ऑफ रूरल पुअर. वो लास्ट सेंजा में आई हैड मार्क चाइल्डिश लॉन्गिंग, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कैसे कोई आए और मैं विश करता हूँ कि मुझे कोई इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले, या फिर उन्होंने कहा था एक स्ट्रोक में इनकी पेन का एंड कर दूँ, जिसमें मैंने यूथनेशिया या मर्सी किलिंग की बात की थी उससे कंपेयर करते हुए. तो वो चीज़ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है. आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छी लगी हो और समझ में भी आई हो. स्टिल अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या मेल के थ्रू हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर लिसनिंग.